आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, और आप पिछले सरकार से, जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि अपोजिशन नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। असेंबली में ना एनसीपी बोल रही है, ना कांग्रेस बोल रही है, शिवसेना बाहर आकर के बहुत बात करती है लेकिन अंदर जाकर के वो चुपचाप रहते हैं। तो साधारण जनता के मुद्दे, साधारण जनता की बातें कौन रखेगा जाकर के, ये हम ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, और ये देश की डेमोक्रेसी के लिए घातक है। डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए, एक आम आदमी की आवाज़ को असेंबली में पहुँचाने के लिए, इनके मुद्दे हम पुरजोर कोशिश से रखने के लिए हम एक मजबूत भूमिका निभाएंगे, यही सोच करके आम आदमी पार्टी ने अपने 24 उम्मीदवार खड़े किए हैं। विदर्भा में 6 खड़े किए हैं, मुंबई में 6 खड़े किए, मराठवाड़ा में 3 किए, नॉर्थ महाराष्ट्र में 3 किए, ऐसे 24 उम्मीदवार खड़े किए हैं। उम्मीद है कि जनता हमारे को समर्थन देगी, और हम अगर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक असेंबली में जाते हैं तो उनकी बातें हम ज़रूर मजबूती से रखेंगे और एक बहुत सशक्त अपोजिशन का रोल निभाएंगे। वो तो अभी वोटिंग होने के बाद होगा। हम जैसा, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारा संसाधन नहीं है यहाँ तक प्रचार करने का, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो डोर टू डोर कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, जो पर्चे बांट रहे हैं, उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोगों ने मैदान में उतरे, आप लोग लड़ने के लिए तैयार है, हम आपका साथ जरूर देंगे। ये अभी हमारे को जनता का सपोर्ट मिल रहा है, अब इसको देखना है कि वोट में कितना कन्वर्ट। यूपी सरकार ईवीएम सेट होगा नहीं सेट होगा ये उनको पूछिए, ये हम इसका जवाब नहीं दे सकते। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। ये विषय है, बहुत बड़ा विषय है देश के सामने, कि जहाँ पर वोट भी नहीं डाले जाते इनको वोट मिलते कैसे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को हमने दिल्ली असेंबली के अंदर ये प्रमाणित करके बताया कि कैसे इलेक्शन मशीन के अंदर में वोटिंग किसको डाला जा रहा है, किसको डालते हैं, ये आप हमारे को इलेक्शन कमीशन में करने दीजिए। वो बोले मशीन को बगैर हाथ लगाए करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मुद्दा तो अभी आने वाले चुनाव में समझेगा कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, ये विषय इलेक्शन कमीशन का।